आज हम बेटा लेक्चर 10 की बात कर रहे हैं। आज की मेन मेन रिजल्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी। स्टेटमेंट क्या है? लेट F is a field and Fx is a non-constant polynomial. या irreducible दी हुई तो भी चले in polynomial ring of fx. Then there exists an extension field E of f and is extension field mein ek alpha milega such that f alpha is zeros of this polynomial ya iska root hoga. अब इसके हम प्रूफ पर चल रहे हैं स्लोली स्लोली। देखो आइदर एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल, या तो एफ एक्स खुद इररिड्यूसिबल होगी और एफ एक्स हैज ए फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल रिंग ऑफ एफ एक्स इंटू पॉलिनोमियल्स दैट आर इररिड्यूसिबल ओवर एफ। या तो ये खुद इररिड्यूसिबल होगी या ये फैक्टराइज हो जाएगी पॉलिनोमियल एफ एक्स की पॉलिनोमियल में जो खुद इररिड्यूसिबल होंगी। तो लेट पी एक्स इज एन इररिड्यूसिबल फैक्टर, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन सच ए फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टराइजेशन में से हमने एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले ली पी एक्स। यदि खुद एफ एक्स इररिड्यूसिबल होता तो पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि एफ एक्स, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि एफ एक्स रिड्यूसिबल है यानी फैक्टराइज में रिड्यूस होता है तो हमने पॉलिनोमियल रिंग में से वो फैक्टर उठाना है जो खुद इररिड्यूसिबल है। ओके, नाउ इट इज clearly sufficient to find an extension E of alpha, E of f containing an element alpha belongs to E such that P alpha equal to 0. ये कंडीशन है जी, यानी कि हमें एक ऐसा अल्फा ढूंढना है सच दैट पी अल्फा क्या बन जाए जीरो। मतलब कहने मतलब जो एफ एक्स वाली चीज थी, यदि एफ एक्स इररिड्यूसिबल है तो एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा जी, पी एक्स के। नहीं तो एफ एक्स का एक फैक्टर है पी एक्स, और यदि इसका मतलब बता दू पी अल्फा, पी में अल्फा रखने पर जीरो आ गया तो एफ में भी जीरो अल्फा रखने पर जीरो आया। क्यों? क्योंकि उसका एक फैक्टर है एफ एक्स, करेक्ट। ओके, अब यहां पर एक कंसेप्ट लिख रहा हूं मैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सुन लीजिए। एक आइडियल जो जीरो आइडियल ना हो एंड जनरेटेड बाय पी एक्स ऑफ पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स
इज मैक्सिमल, इसको मैक्सिमल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ पी एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ। एक बात, अब यहां की बात पर आइए, यहां पर पी एक्स आपको इररिड्यूसिबल ओवर एफ दे रखा है, ओके पी एक्स, इसका मतलब ये जो आइडियल है, ये आइडियल नॉन जीरो आइडियल क्या बनाता है, मैक्सिमल आइडियल बनाता है, इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफएक्स, पहला कंसेप्ट। अब मैं दूसरे कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूं, दूसरा कंसेप्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। यदि पी एक्स से जनरेटेड आइडियल मैक्सिमल आइडियल है इन एफ एक्स, देन ये जो पॉलिनोमियल, ये जो कोशेंट रिंग बनेगा वो फील्ड बन जाएगी। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में ये मैक्सिमल आइडियल है, इसलिए ये क्या बन गई, हमारी फील्ड बन गई, दिस इज ए फील्ड, दिस इज ए फील्ड। अब हम यहां पर कुछ अगला टॉप फील्ड बना दिया हमने, वी क्लेम दैट एफ कैन बी आइडेंटिफाइड विद ए सब फील्ड, यानी कि f इसकी एक सब फील्ड होगी। कैसे, उसके लिए हमने एक मैपिंग बनाई है, ये मैपिंग f फील्ड, एक फील्ड से दूसरी फील्ड के बीच में है, सच दैट phi ऑफ a को आप लिख रहे हो a दिस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। फर्स्टली We show that phi is 1, तो phi of A, phi of B, ये क्या आएगा, A ideal generated by Px equal to B plus ideal generated by Px for some AB belongs to field। तो यहां से कोसेट के रूल से आ गया कि a माइनस बी आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स में बिलोंग करेगा। तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल होंगे, इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल होंगे, एंड डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ए और बी तो फील्ड से हैं, एफ से, ए माइनस बी भी एफ से में बिलोंग करेगा, इसकी डिग्री तो जीरो होगी, तो ये पी एक्स इस जीरो डिग्री वाले को तभी डिवाइड कर सकता है जब ये खुद क्या हो, जीरो। इट मीन्स A इक्वल टू B, यहां से प्रूव हो गया जी आपका 1-1। नेक्स्ट, phi ऑफ ए बी को क्या लोगे आप, हम लेंगे जी ए बी प्लस phi पी एक्स, इसके दो टुकड़े बन जाएंगे, A प्लस आइडियल मल्टीप्लाई में B प्लस आइडियल, ये क्या बनेगा जी आपका phi A, और ये बनेगा जी phi B। सिमिलरली वे पे आप ये प्रूव करोगे phi ऑफ A प्लस B, A प्लस B phi Px, वो आ जाएगा A प्लस Px B प्लस Px, ये बन जाएगा जी phi A
और ये बन जाएगा फाई बी। इस पूरे प्रोसेस ने कह दिया कि फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। पहले आपने कहा कि फाई एक वन वन है, अब आपने कह दिया कि फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, करेक्ट? ओके। यदि मैं इसका नाम ई रखूं, तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि फाई ऑफ एफ इसका सबसेट होगा और एफ इसके आइसोमॉर्फिक हो चुका है। तो व्हाट इट मींस, जो दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन कहती है कि दिस ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, दिस ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो ये ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, तो पहले तो आपने ई क्रिएट कर ली जो इसकी एक्सटेंशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आपने ये प्रूव करना है कि इसके अंदर एक रूट है जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। इट रिमेन्स टू शो दैट E contains a zero of Px, यानी Px की एक जीरो रखेगा। अब एलिमेंट लिया एक अल्फा जिसका नाम लिखा हमने x प्लस दिस, ये एलिमेंट श्योरली E का होगा, ये एलिमेंट श्योरली किसका होगा जी, E का होगा। अब एक मैपिंग हमने कंसीडर करी है पॉलिनोमियल रिंग ऑफ x से e तक, ये हमने मैपिंग कंसीडर करी है। इस मैपिंग का क्या मकसद है, मकसद बताता हूं। यदि इसके अंदर हम कोई भी पॉलिनोमियल रिंग रखते हैं तो वो बन जाए जी एफ अल्फा। यहां पर एफ एक्स ए नोट ए वन एक्स एन एक्स की पावर एन होगा, और ये सारे ए आई एफ से बिलोंग करते हैं। ये एक होमोमॉर्फिज्म होगी, बेशक आप चेक कर लेना। अब ये बताओ बहुत ही सिंपल तरीके से, इसका मैं ये रखता हूं तो उत्तर क्या है? ये अल्फा है, अल्फा मतलब ये, वैसे तो इसका आंसर आएगा जी एफ ए नोट ए वन अल्फा और लास्ट में ए एन अल्फा की पावर है। बड़े ध्यान से देखना बेटा, अल्फा अल्फा क्या है, ए नोट ए वन एक्स प्लस आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स ए एन x प्लस आइडियल जनरेटेड बाई पी एक्स होल पावर n। तो इट कैन बी रिटन एज, देखो ये क्या होगा, देखो ये n पावर सिर्फ इसकी होगी, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारे कोसेट्स के रूल्स थे, प्लस दिस, ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। इस बात को मैं अब आपको आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। यदि इस अल्फा में, देखो अल्फा क्या लिया आपने, ये लिया है, बड़े ध्यान से देखिए, ये अल्फा लिया है, ये आप यदि एफ एक्स लेते हो तो ये आएगा। यदि यहां पर px लिया जाता तो क्या होता, दोबारा चीज को बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या रख रहा हूं बेटा, यहां पर रख रहा हूं मैं वर्ड px, जिसका उत्तर आएगा जी p अल्फा। इस ये रूल कहता है कि यहां पर तो ये एग्जैक्ट का एग्जैक्ट fx आ जाना है, तो ये क्या आएगा जी px प्लस दिस,
ये तो इसी का पार्ट है, ये कुछ और नहीं, जीरो ऑफ द फील्ड, किस फील्ड की जीरो है, ई ई मतलब तो इसका मतलब इसके अंदर जैसे ही अल्फा पुट किया ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमने एक एलिमेंट अल्फा ढूंढ लिया जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर आपने एफ एक्स में लिया, एफ एक्स पर एक उदाहरण है कि यहां यदि एफ एक्स रखते हो तो ऐसा होता है, मैंने एफ एक्स लिया ये बनेगा, यदि इस एफ एक्स की जगह पे पी एक्स लेते तो यहां भी पी एक्स आता और यहां ये बचता है, और ये पी एक्स तो इसका पार्ट है इसलिए ये क्या बन गया, जीरो ऑफ दिस फील्ड। इस प्रकार हमें एक अल्फा मिल गया जो इस पॉलिनोमियल पी एक्स को सेटिस्फाई करता है, और फिर यदि पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल थी तो पी एक्स इज इक्वल टू ही एफ एक्स था, तो एफ एक्स का मिल गया, यदि पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल की बजाय रिड्यूसिबल थी तो पी तो एक फैक्टर था जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है, तो एफ को भी अल्फा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक पॉलिनोमियल ले लिया आपने एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर द फील्ड ऑफ रियल, ये पॉलिनोमियल हमने इस पॉलिनोमियल रिंग में लिया, वही बात हम एक अल्फा फाइंड करना चाहते हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट तो स्टेप ये है, ये एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है किसके अंदर, आर एक्स के अंदर। इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कैसे पता लगी, ये एक दो डिग्री की पॉलिनोमियल है जी, दो डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसका रूट इसमें रियल में नहीं है, इसके दो ही रूट होते हैं ये, नाइदर ऑफ देम इज रियल, तो यहां से प्रूव हो गया कि ये पॉलिनोमियल है इरिड्यूसिबल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यदि ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है जिसका नाम हमने पी एक्स रखा है, तो वी गेट दैट कि ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगा किसका, आर एक्स का। यदि ये मैक्सिमल आइडियल है तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी जी, फील्ड बन जाएगी जिसका नाम रखोगे आप ई, ठीक है, ये आपकी फील्ड बन जाएगी। अब आपको रूट चाहिए तो हम उस रूट को, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा क्या लिया था, ये लिया है अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस दिस। यदि हम अल्फा ये ले लेते हैं तो अल्फा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, देखो कैसे, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा का उत्तर है जी दिस, ये पूरा एक्स का काम करता है, पहले आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसके स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस दिस, फिर आपको क्या चाहिए, वन, इस वन का भी यहां मतलब ये है, इस में बड़े ध्यान से लिखना है बेटा। अल्टीमेटली हमें ये क्या मिल गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसी का पार्ट होगा, यानी कि इसकी जीरो होगी, ये किसकी है, जीरो ऑफ ई, तो इसका मतलब इसने इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर दिया। ये एलिमेंट किस में मिला है, एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन की दो डेफिनेशन है, एक तो डायरेक्ट सेट में हो जाए, एक डायरेक्ट सेट में ना होके मैपिंग से आए, तो यहां पर जो मैपिंग वाली डेफिनेशन है उसका यूज किया गया है। वन मोर एग्जांपल, अब हम इरिड्यूसिबल की बजाय एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लेते हैं ओवर क्यू एक्स। बच्चों ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है, इसके ये फैक्टर होंगे, बट ये दोनों फैक्टर आगे चल के इरिड्यूसिबल है, ये भी फैक्टर इरिड्यूसिबल है और ये भी इरिड्यूसिबल है। अब अपनी सुविधा से आप किसी भी एक फैक्टर को मान लो, स्टार्ट कर लो, उसको मान लो जी आप पी एक्स, मान लिया मैंने ये ले लिया, सेम वे जैसे ये क्वेश्चन हुआ है ऐसे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, इसमें जो फील्ड बनाई थी आपने, इसमें फील्ड बनेगी जी आपकी ये, इसमें ये फील्ड बनेगी, यदि ये लेते तो क्या बनती, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बनती। सेम व्यू पे आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमने आपको एक पार्ट कराया,
अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है इस थ्योरम का। सेकंड पार्ट क्या है उसके ऊपर हम अगली क्लास में आएंगे कि व्हाट इज इट्स सेकंड पार्ट। अभी तक तो आपने सिर्फ ये बताया कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है एफ एक्स में, यदि उसके पास उसका रूट नहीं है तो एक क्या एग्जिस्ट करेगी, उसकी एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी जिसमें उसका एक रूट जरूर लाई करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि उस एक्सटेंशन की जो हम बना रहे हैं उसकी डिग्री कितनी होगी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, कि उसकी डिग्री क्या होगी ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन सुनिए, एक्जाई ये है टू पाई आयोटा बटे एन। अभी आप इसको एक मिनट के लिए एक्ज एन को तीन ले लीजिए, ये है। तो अब आपने क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये और ये दो ही आएंगे, सॉरी ये दोनों सेम होंगे, फर्स्ट बोथ आर सेम। दूसरी बात, इससे इसके बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, हाउ मैनी ऑटोमॉर्फिज्म आर पॉसिबल। यदि इस तीन की बजाय हम चार कर दें तो कितनी पॉसिबल है, यहां पांच कर दें तो कितनी पॉसिबल है, आठ कर दें तो कितनी पॉसिबल है, दस कर दें तो कितनी पॉसिबल है, यानी कि एन होता तो कितनी ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, ये हमारा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन द आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, ये होमवर्क है।